यूट्यूब परिवार के मेरे सभी भाइयों का, बहनों का, मेरे सारे दोस्तों का, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार और सब लोगों का बहुत बहुत प्रणाम कि आपने मुझे बहुत स्नेह दिया है। मेरे जो वीडियो है आपने बहुत लाइक किए हैं और उसको बहुत पसंद किया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों से रूबरू होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बस अब तो मुझे कुछ भी नहीं, अब तो वास्तु के बारे में मुझे आज बात करनी है। आपके कितने ढेरों प्रश्न मेरे पास आते हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आज मैं कुछ सेलेक्टेड प्रश्नों को आपके सामने रखता हूँ हमेशा। आज का भी जो विषय है ना, ये विषय भी वास्तु का एक अच्छा विषय है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि आपने ईशान कौन का जो वीडियो बनाया था तो उसके बारे में हमें कुछ और बताइए कि हम और क्या करें ईशान कौन में। तो देखो, आज मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। आज हम बात कर रहे हैं ईशान कोण। ईशान कोण देखिए बहुत महत्वपूर्ण कोण होता है। ईशान कोण और आप नैऋत्य कोण, इन दोनों का बैलेंस कीजिए। चलो मैं तो कहता हूं आप आज से शुरू कीजिए। आप आज से शुरू करेंगे तो आप 1-2-4 दिन के अंदर उसको सही कर लेंगे। देखिए, बिना तोड़फोड़ के वास्तु के लिए मुझे जानते हैं लोग ज्यादा, तो मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि बिना तोड़फोड़ का ही वास्तु किया जाए। कोशिश ये करें सबसे कम तोड़फोड़ करें। यदि हम तोड़फोड़ करेंगे तो वास्तु भंग दोष भी लग जाएगा। वो भी मैं नहीं चाहता कि हमारे घरों में हम वास्तु भंग दोष उत्पन्न करें। तो दोस्तों, आज का जो विषय जो हमारा है वो है ईशान कोण। ईशान कोण किन चीजों से जुड़ा है आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा क्लिष्ट जाने की जरूरत नहीं है। पहले तो बस आपको इतना सा समझना है कि ईशान कौन होता क्या है। ईशान कौन होता है? उत्तर और पूर्व का कोना। उत्तर और पूर्व के कोने को कहते हैं ईशान कौन। बस आप ये बात ध्यान रखिए, ईशान कौन को हमेशा ध्यान रखना है। आप पाठ करते हैं ना महादेव बाबा के, नमामि ईशान निर्वाण रूपम। ईशान कोण को हम नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं ईशान कोण को नमस्कार? क्योंकि ईशान कोण में वास्तु पुरुष का जो सिर होता है वह ईशान कोण में होता है, इसलिए ईशान कोण को नमस्कार किया जाता है। दूसरा, हमने बात बता रहा था आपको नैऋत्य कोण की। नैऋत्य कोण किसे कहते हैं? नैऋत्य कोण कहते हैं दक्षिण और पश्चिम दिशा के कोण को हम नैऋत्य कोण कहते हैं। मित्रों, नैऋत्य कोण जो होता है वो उसमें वास्तु पुरुष का क्या होता है, कौन सा अंग नैऋत्य कोण में होता है? ये दक्षिण और पश्चिम दिशा के अंदर नैऋत्य कोण में वास्तु पुरुष के पांव होते हैं। अब आप समझे, एक तरफ सर और दूसरे कोने में हो गए वास्तु पुरुष के पांव। ये वास्तु पुरुष की मैंने आज आपको छोटी संरचना बताई है, कभी मैं इसकी विस्तृत संरचना बताऊंगा कि उसके अंगों का वर्णन क्या होता है, उसके पद क्या होते हैं। आज की बात मैं आपको बताता हूं छोटे शब्दों में कि आप ईशान कोण, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप 4 P ध्यान रखिए। ईशान कोण के लिए आपको क्या रखने हैं? 4 P ध्यान रखिए, आप नोट कर लीजिए। पवित्रता ईशान कोण में होनी चाहिए, पवित्रता ईशान कोण में होनी चाहिए, पानी ईशान कोण में होना चाहिए, पूजा ईशान कोण में होनी चाहिए और पढ़ाई ईशान कोण में होनी चाहिए। पवित्रता, पानी, पूजा और पढ़ाई, ये 4 चीजें कहां रहेगी? ईशान कोण हमारे घर के उत्तर और पूर्व के कोने में रहेगी। 4 चीजें, 4 P आप ध्यान रखिए और ईशान कोण को आप पवित्र कर दीजिए, साफ सुथरा रखिए। वहां कचरा, कबाड़ और टूटी फूटी चीजें, गंदगी, वहां पे आपने लेटरिन बाथरूम, शौचालय कुछ बना दिया है, ऐसा कुछ वहां पे भूल कर भी मत करो। पवित्रता का ध्यान रखो। वहां पे आप पूजा घर बनाइए। आपका बच्चा यदि पढ़ाई में कमजोर है तो आप ईशान कोण के अंदर, मैंने मेरे पुराने वीडियो में बताया भी था ईशान कोण का, लेकिन जो आज मेरे जो दर्शक है, जो मेरे परिवार के सदस्य है, उन्होंने जो मुझे क्वेश्चन पूछा ईशान कोण के बारे में, तो ये मैं स्पेशली बता रहा हूं कि ईशान कोण जो होता है ना, इसमें आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, पढ़ाइए वहां पे, तो आप
ईशान कोण को सही रखिए। ईशान कोण को आप साफ सुथरा पवित्र पूजा पढ़ई और वहां पे पानी पानी का भूमि का टैंक यदि आपको बनाना है तो आप ईशान कोण बनाइए। दूसरा कोण मैंने आपको बताया था नृत्य कोण। नृत्य कोण में आपको दो चीज ध्यान रखनी है। यदि आपने नृत्य कोण में दो चीज ध्यान रख ली तो आप अपना लगभग लगभग वास्तु दोष वहां से दूर कर ही लेंगे दोस्तों। तो वो दो चीज कौन सी है? एक तो इस नृत्य कोण हाई एच, दो एच की ओर ध्यान दीजिए। हाई हाइट ऊंची होनी चाहिए, नृत्य कोण ऊंचा होना चाहिए। और दूसरा हैवी चीज, नृत्य कोण में आप क्या रखेंगे? हैवी चीज रखेंगे। जब आप नृत्य कोण में हैवी चीज रखेंगे तो नृत्य कोण के दोष बहुत सारे दूर हो जाएंगे। बाद में बाकी सारी चीजें तो और भी इसके साथ जुड़ी रहेगी। तो आपको इधर चार चीजें ध्यान रखनी है, चार पी ध्यान रखना है और नृत्य कोण की ओर आपको दो एच ध्यान रखने हैं, हैवी और हाइट। इन दोनों को आप बैलेंस कर लेंगे यदि तो आपको मैं बताता हूं आपको क्या मिलेगा, पैसा पद प्रतिष्ठा और पावर। वापस क्या गेन होगा आपको? चार पी गेन होगा, पैसा पद प्रतिष्ठा और पावर। यदि आपको ये चार चीज कौन नहीं चाहेगा, अपने परिवार में अपने बच्चों में अपने अपने आप को कौन नहीं चाहेगा ये चार चीज मुझे गेन नहीं हो। तो ये चार चीजें आपको प्राप्त करने के लिए आपको अपने ईशान कोण के चार पी को ध्यान रखना पड़ेगा और नृत्य कोण के दो एच को ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपने इन दोनों को बैलेंस कर लिया तो आप देखना आप अपने घर के इन दो कोण को बैलेंस करने से आप अपने 50% वास्तु दोस्तों दूर कर ही लेंगे। चार वास्तु में दिशाएं कितनी? वास्तु की चार दिशाएं, चार कोण और उसके बाद में पृथ्वी तत्व और ब्रह्म स्थान जिसको कहते हैं पृथ्वी और आकाश। तो कभी ब्रह्म स्थान के बारे में मैं आपको बहुत खुल के बताऊंगा कि क्या होता है। तो आज आपको मैंने ये बताया, आप ऐसे मुझे क्वेश्चन खुल के पूछो, मतलब आप, मैं तो ये कहता हूं आप जितने क्वेश्चन पूछते हो मुझे तो उतना आनंद आता है। तो आप खूब क्वेश्चंस पूछो मेरे से, मेरा ये वीडियो आप लाइक करो, अपने दोस्तों को अपने परिवार के लोगों को अपने पूरे परिवार व्हाट्सएप के जो आपके ग्रुप्स बने हैं आप उसमें भी इसको शेयर करो, फेसबुक में इसको लगाओ और दूसरे जो सोशल जो माध्यम है आप उस वीडियो को लगाओ, सब्सक्राइबर भी उसके खूब करो आप। और मैं नई नई वीडियो आपको देता रहूंगा और मेरे जो नीचे नंबर शो हो रहे हैं 9509916909 और मेरी ईमेल आईडी mrrajesh.vyas@gmail.com पर भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।